हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्टकट्स में। तो यहाँ पे आज हम आपके सामने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेके आए हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगी और क्या शॉर्टकट रहेगा। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज व्हाइल बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग अल्टरनेट। अब यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हमने, इफ वर्क स्टार्टेड बाय ए। देखिए जनरली क्या होता है, जब आप क्वेश्चन देखते हो एग्जाम में तो आप करने लगते हो, बट ध्यान रखना अगर ये लाइन ना लिखी हो एग्जाम में, मतलब अगर स्टार्ट किसने किया है ये पता नहीं, तो ध्यान रखना वहां पे आंसर हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, सी एन डी रहेगा अगर ये लाइन दोस्तों नहीं लिखी है। बट अगर जैसे कि यहाँ पे देखा आपने लिखी हुई है, तो आप इसकी करते हो बेसिक अप्रोच, जैसे आपने पढ़ा हुआ है एलसीएम मेथड में कि ए ने किया 8 दिन में, बी ने किया 10 दिन में, तो आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 40 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया आपका 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। तो अल्टरनेट काम करना है तो सिंपल सी बात है, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों 9 काम हो जाएगा। काम करना है कितना दोस्तों 40, तो 9 के टेबल में 40 आता नहीं है, कितना आता है 36, कितनी बार 4 बार, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 8 डेज, कितना काम हो गया दोस्तों 36 काम हो गया। ए ने किया था स्टार्टिंग में तो काम कितना बचा है 4, कौन करेगा अब इसको, ए करेगा तो दिन कितना हो जाएगा 4/5, तो डेज कितने हो जाएंगे 8/4/5 डेज। तो ये दोस्तों क्या है इसकी बेसिक अप्रोच है, जो अब आज के बाद आप लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि जैसे कि हमने आपसे बोला है कि ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्टकट्स, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक देखिए क्या होगा। सिंपल, जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आए और अगर ए ने स्टार्ट किया हो तो केवल एक लाइन के अंदर आंसर लिखोगे। कैसे लिखोगे, अगर ए ने स्टार्ट किया तो आप लिखोगे क्या ए के दिन, मतलब 8, फिर एक फ्रैक्शन बनेगा जिसमें ए के दिन ऊपर और बी के दिन नीचे, तो कैंसिल हो गया कितना 4/5, तो जो ए करेगा काम कितने दिन में करेगा 8/4/5, और अगर बी करता काम तो इसी के बाद का नेक्स्ट होल नंबर मतलब कितना हो जाएगा 9 डेज, है ना। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, फिर से समझाएंगे एक बार कि अगर ए करे अल्टरनेट का काम हो, और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस दोस्तों वो कितने दिन का होगा 2 दिन का होगा। अगर डेज का डिफरेंस 2 दिन का है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ए का डेज आपको यहां लिखना है, फिर ए का डेज ऊपर फिर नीचे बी का डेज, सॉल्व कर लीजिए तो 8/4/5 हो जाएगा कब ए करेगा, और जब बी करेगा तो कितना हो जाएगा 9। बस कंडीशन ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्या कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो डिफरेंस ऑफ डेज होगा वो क्या होगा दोस्तों 2 होगा, ठीक है। तो यहां पे ये ठीक हो गई, बट यहां पे भी आपके दो क्वेश्चन आते हैं, एक होता है ऑड नंबर में, एक होता है इवन नंबर में। तो इवन नंबर में वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, ऑड नंबर क्वेश्चन हम अगले ट्रिक में आपके साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू।